हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुज टेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के द्वारा फेसबुक में अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। आप इस वीडियो में बताऊँगा कि उसी से आप कैसे फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो एक फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। अगर आपको फेसबुक पेज नहीं बनाने आता तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाइए। मैं फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाता हूँ। यहाँ से आप अपना फेसबुक पे लॉगिन उन कर लें। यहाँ से लॉगिन करने के बाद होम पे चले जाएं। यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ आएगा आपको एक पेज। यहाँ पेज दिख रहा है आपको, ठीक है। पेज पे आप क्लिक कर दीजिए। पेज पे क्लिक करने के बाद ये आएगा आपको, यहाँ से क्रिएट न्यू इमेज आएगा, पेज आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं डेस्कटॉप प्रीव्यू, यहाँ से कैटेगरी, यहाँ से क्या क्या आ रहा है, डेस्कटॉप, यहाँ से आप मोबाइल में ऐसा दिखेगा आपको प्रीव्यू। यहाँ से पूछ रहा है क्रिएट अ पेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप पेज नाम डाल दीजिए, जो भी रखना है पेज का नाम, जो भी आप सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी रख सकते हैं। अगर आपको जो पसंद है वो नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ, मैं कुछ भी रख देता हूँ, आप अपने पसंद से रख दीजिएगा, ठीक है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं पेज। यहाँ से आप कैटेगरी रख दीजिए, कैटेगरी आप रख दीजिएगा, जैसे आप सेल करना चाहते हैं तो रख दीजिए आप फैशन, मैं क्लॉथ्स वगैरह बेचना चाहता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेच सकते हैं, मैं फैशन मॉडल कर लेता हूँ। यहाँ से और कैटेगरी है, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेबसाइट, ये ठीक है। और देना चाहते हैं आप दे दीजिए, तीन ही देना है। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन लिखना है पेज में क्या क्या इस पेज, ये पेज है किस बारे में है, बताना है आपको। तो मैं लिख देता हूँ This page will help you to find, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अब जो पेज बनाना चाहते हैं find, मैं लिख देता हूँ amazing deals, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट पेज कर दीजिए। यहाँ से देखिए, हेलो शॉप वॉच क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेज और गो टू पेज टू ऐड मोर डिटेल्स, हो गया। यहाँ से आप इमेज, अगर आपको ऐड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ देखिए प्रोफाइल पिक्चर अगर लगाना है तो आप यहाँ से आप लोगो लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो चलिए बता ही देता हूँ मैं। आप canva.com पे चले जाइए, canva.com। canva.com पे जाने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लीजिए लोगो, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, इंस्टाग्राम स्टोरी, यहाँ से जो भी आप चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लोगो बना लेता हूँ। यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारा टेम्पलेट दिया हुआ पहले से क्रिएटेड है, फ्री है, कोई 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 पेड है, आप फ्री वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो,
मैं क्रिएट करके बताऊंगा आपको। यहाँ से आप टेक्स्ट ले लीजिए, टेक्स्ट पे मैं लिख लेता हूँ शॉप का नाम, जो भी आपने नाम दिया था यहाँ से लिख लीजिए। हेलो हेलो शॉप्स, ठीक है, मैंने यही दिया था। उसके बाद आप एलिमेंट्स ले ले कुछ भी, जैसे मैं ले लेता हूँ शॉप्स ले लेता हूँ। शॉप सर्च कर लीजिए, यहाँ से मैं ये देखिए ये ले लेता हूँ, फिर ये यहाँ से आप इसको ऊपर कर लेता हूँ। आपको जैसा पसंद है लगा सकते हैं आप, बस आपकी मर्ज़ी। मैं बस आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ से हेलो शॉप्स। यहाँ से अगर एलिमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप ये एलिमेंट में शेप्स दे सकते हैं, शेप में बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से शेप सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से आप ये ले लीजिए, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया लोगो। यहाँ से मैं बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ मैं हेलो शॉप्स। ठीक है, यहाँ से अगर देना चाहते हैं तो कोई और दे दीजिए। यहाँ से आप ये दे सकते हैं, आप यहाँ से ये दे सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं। ये चलिए मैं ये देता हूँ, आप जो भी दे दें बस अपना पसंद से। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद आप अपने फेसबुक पेज पे चले जाइए, यहाँ से आप ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर कर लीजिए जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है। मैं एक एक थोड़ा टाइम लगेगा बस थोड़ा, पर सीख जाइएगा आप। आप वहाँ से टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप आपको यहाँ डाउनलोड में चले जाता हूँ मैं। यहाँ से डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से ये क्रिएट हो गया लोगो। उसके बाद अगर कवर फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैनवा से ही बना सकते हैं। इस पे आप सर्च कर लीजिए फेसबुक कवर। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं ऐसे। ये मैं चलिए ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, बनाने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। यहाँ से आप चलिए मैं यहाँ से आप चेंज कर लेता हूँ मैं नाम। ठीक है, यहाँ से मैं डाल लेता हूँ
हेलो शॉप्स, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस 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 प्लस, तब तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आप यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से 120, यहाँ से आप ठीक है, यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हेलो शॉप्स, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगर एलिमेंट पे लेना है तो एमेट ले लीजिए। एलिमेंट में आप एलिमेंट में अब यहाँ से शॉप्स ले लीजिए, शॉप्स शॉप्स कर लीजिए, एलिमेंट में शॉप्स कर लीजिए। यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको इधर कर दीजिए, ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, तो इसको यहाँ से आप इसको सेंड सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, प्रिंट टू फ्रंट, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। ये देखिए ऐसे तैयार हो गया। यहाँ से और कुछ देना चाहते हैं आप, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद फेसबुक पेज पे चले जाइए। मैं इसको कट कर देता हूँ दोनों को। यहाँ से ऐड कवर फोटो प्लस पे प्लस कर दीजिए। करने के बाद यहाँ से आप देखिए, यहाँ जो आपने डाउनलोड किया था उसको आप यहाँ से कर दीजिए। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव कर लीजिए। ठीक है, सेव हो गया। यहाँ से आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपका अपडेट आते रहेगा, दे सकते हैं। अगर देना चाहते तो दे दे, नहीं तो फिर रहने दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल, यहाँ से लीव। उसके बाद ये देखिए ऐसा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आप यूजर नेम, आप यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको जो पसंद है, यूजर नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चले आइए ऐड अ बटन, ऐड अ बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे दुकान है ना, शॉप है, सेल करना है तो आप एक्शन बटन आपको देना पड़ेगा। यहाँ से आप नीचे आ जाइए, यहाँ से आप नीचे आ जाइए, यहाँ शॉप नाउ का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से पूछ रहा है व्हाट वेबसाइट विल यू लाइक टू सेंड पीपल्स व्हेन दे क्लिक ऑन दिस बटन। आप यहाँ वेबसाइट पूछ रहा है तो अमेजोन का वेबसाइट डाल दीजिए। यहाँ से amazon.in आप ओपन करके यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लीजिए, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप सेव कर लीजिए। ऐड बटन हैज़ बीन एडेड टू योर पेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेनू कार्ड, देख रहे हैं मेनू, यहाँ से होम, ग्रुप्स, इवेंट्स, रिव्यू, मोर, तो आपको यहाँ लाना पड़ेगा शॉप्स का। तो यहाँ मोर पे चले जाइए। मोर पे जाने के बाद एडिट टैब्स, एडिट टैब्स के जाने के बाद यहाँ से टेम्पलेट्स देखें, आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट पे चले जाइए। एडिट पे जाने के बाद यहाँ से आप स्टैंडर्ड बिजनेस मेन्यू नीचे आ जाइए। यहाँ से आपको नीचे मिलेगा एक शॉपिंग का, शॉपिंग पे क्लिक कर दीजिए। शॉपिंग पे आने के बाद यहाँ से आप अप्लाई टेम्पलेट, यहाँ से योर टेम्पलेट हैज़ बीन अपडेटेड, टेक अ लुक व्हाट्स चेंज्ड। यहाँ से आप देखिए
ये सीरियल वाइज आएगा। यहाँ से इवेंट्स आप ऑफ कर दीजिए, इवेंट्स तो नहीं रखना। यहाँ से आप रिव्यू रहने दीजिए। आप शॉप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर ले आइए। होम के बाद शॉप रहेगा, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद आप रख लीजिए ऑफ़र, रख लीजिए ऑफ़र, हाँ ऑफ़र रख लीजिए। यहाँ से आप ग्रुप्स ऊपर रख लीजिए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हो गया सेव, ये हो गया। यहाँ से आप जनरल, जनरल पे ये सब सही है। पेज पब्लिश, ठीक है, ये ठीक है। मैसेज में, पेज इन्फॉर्मेशन में, मैसेज में ये भी सब ठीक है। पेज में आप यूजर नेम दे सकते हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं बाद में। यहाँ से फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी दे सकते हैं। यहाँ से लोकेशन देना चाहते हैं तो लोकेशन दे दीजिए। यहाँ से आप सर्विस एरिया, कहाँ कहाँ सर्विस दे रहे हैं वो भी डाल सकते हैं इसमें, ये ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब आ जाइए आप अपने पेज पे। यहाँ से होम चले आइए। यहाँ से होम पे जाने के बाद पेज, पेज पे जाने के बाद यहाँ से आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ से देखिए हेलो शॉप्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अपने पेज पे आ जाइए। यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप कट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं एडिट शॉप नाउ पे चले जाइए। आप यहाँ पे एडिट शॉप नाउ है, यहाँ से आप कोई भी बंदा अगर आपके फेसबुक पेज पर आएगा तो यहाँ से आप शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा सारा। तो चलिए मैं प्रोडक्ट डालने से बताता हूँ आपको। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, अभी तो बस फेसबुक पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ से होम शॉप, शॉप पे क्लिक कर दीजिए। शॉप पे जाने के बाद यहाँ से आप ये कुछ पॉपअप उठेगा, सेटअप योर शॉप सेक्शन, उस पर आई एग्री करके कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से बोल रहा है सिलेक्ट चेकआउट मेथड, चूज हाउ यू वांट टू पीपल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द शॉप। यहाँ से आप लिंक डालना चाहते हैं ना, जैसे अमेजोन का वेबसाइट लिंक डालेंगे तभी जाएगा दूसरा वेबसाइट पे, तो आप यही कर दीजिए चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट। अगर मैसेज टू बाय करेंगे तो आपको मैसेज, वो मैसेज करेगा कि अब मुझे बाय करना है, तब वहाँ पे पड़ा, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप उसको अमेजोन के वेबसाइट पर भेज सकते हैं। तो यहाँ से चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ से बस के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ये रह दीजिए सेटिंग अप, सेटिंग अप योर शॉप। यहाँ से आप इंडियन रुपी रहने दीजिए, उसके बाद आप सेव कर लीजिए। ये देखिए वेलकम टू योर शॉप, योर शॉप इज नॉट, इट इज़ नॉट विजिबल टू योर कस्टमर अंटिल यू ऐड इन्वेंटरी, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग एंड प्रोडक्ट बिलो। अभी प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं किया है इसलिए नहीं दिखेगा। यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं बताऊँगा आपको ऐड कैसे करते हैं। यहाँ से देखिए ऐड फोटोज, ऐड वीडियोज, ठीक है। यहाँ से नेम, प्राइस, प्राइस आप नहीं डालिएगा, अमेजोन मना करता है तो अलाउ नहीं करता है प्राइस आप, क्योंकि अमेजोन का जो वेबसाइट है उसमें प्राइस ऊपर नीचे हर दिन होते रहता है, ठीक है। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, चेकआउट यूआरएल मैं बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ से, उसके बाद आप अपने अमेजोन के वेबसाइट पे चले जाइए, मैंने कल बताया था आपको। अपने वेबसाइट पे यहाँ देखिए गेट लिंक टेक्स्ट आएगा आपको, अगर आपने क्रिएट किया है तो, और नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है आप देख लीजिए जाके, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद यहाँ से आप जो भी आपको सेल करना है, जो भी जैसे आपको मैं, चलिए दिखाता हूँ, स्कर्ट, जैसे मैं स्कर्ट होता है ना, हाँ
स्टार्ट होता है। यहाँ से जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी आप सेल करना चाहते हैं वो सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ से आप जो भी आपको पसंद है, जैसे जो भी मतलब कस्टमर को अच्छा लगेगा अपने से पसंद करके, मतलब अच्छा सा एक प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर लोग एक ही नज़र में पसंद कर ले, ठीक है। यहाँ से आप जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसको फ़ोटो को डाउनलोड करने पड़ेगा आपको। तो फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद पहले यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से आप सेव एज भी कर सकते हैं, पर जेपीजी में करना है, हमेशा फ़ोटो में करना। अगर जेपीजी नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से देखिए सेव एज टाइप लिखा हुआ, वेब पेज कंप्लीट, यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। आपको जेपीजी में करना है हमेशा, तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से इंस्पेक्ट आ रहा है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं ये आ जाएगा आपको, यहाँ से आप सिलेक्ट एन एलिमेंट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने प्रोडक्ट पे फिर एक बार सिलेक्ट कर दीजिए। उस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इमेज का सोर्स आ जाएगा, उसको उस लिंक पर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये देखिए कॉपी लिंक एड्रेस आएगा, उसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आप दूसरा टैब खोलकर यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आप ओपन करके यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, सेव इमेज कर लीजिए। यहाँ से आप, चलिए मैं यही कर यहीं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आप मैं लिख लेता हूँ 4.1, आप जो भी सेव कर लीजिए। बस सेव करने के बाद पहले आप, चलिए आप दो, यहाँ से चार फ़ोटो, पांच फ़ोटो हैं, आप जितना भी फ़ोटो करना चाहते हैं कर लीजिए। कम से कम चार फ़ोटो आप डाल दीजिए अगर रहे तो, ठीक है, ताकि कस्टमर को थोड़ा देखने में अच्छा लगे। यहाँ से चलिए मैं दो फ़ोटो करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, आप सारा कर लेना चाहते हो सारा कर सकते हैं। मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको कैसे डालना है उसमें। यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ से पेस्ट, यहाँ से सेव है मैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ से तीन चार फ़ोटो और हैं, वो कर लीजिएगा आप, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने amazon.in पे आ जाइए, सॉरी यहीं पे आ जाइए, यहाँ पे फेसबुक पेज पे आ जाइए जहाँ पे आपने क्रिएट किया था अभी हेलो शॉप्स। यहाँ से आप ये लिख रहा है ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से फ़ोटोज हैं, अगर वीडियो रहता तो वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड फ़ोटोज, ये देखिए सिलेक्ट फाइल्स बोल रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपने अभी, यहाँ से मैंने डाला था, यहाँ से आप ये डाउनलोड किया था मैंने अभी, यहाँ से मैं ये डाल लेता हूँ। ये देखिए, उसके बाद एक और डाल लेता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से आपको नीचे आएगा और आप पांच छह डाल दीजिएगा फ़ोटो अगर रहेगा तो उसमें, ठीक है। वैसे ही करके मैं बस दिखाने के लिए आपको दो डाला अभी, आप सारा डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यूज फ़ोटोज पे क्लिक कर दीजिए। यूज फ़ोटो करने के बाद यहाँ से आपको नेम पूछेगा, नाम क्या डालना है, तो अपने फेसबुक पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, जो भी प्रोडक्ट है उसका बस ये देख रहे हैं। यहाँ से नाम, आपको रिव्यू नहीं लेना, रिव्यू भी अलाउ नहीं करता अमेजोन। यहाँ से कंट्रोल प्लस सी कॉपी कर लीजिए नाम, यहाँ से आप अपने पेज पे जाके यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। प्राइस भी नहीं देना आपको,
प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है हमेशा अमेज़ॉन पे। यहाँ से उसके बाद आ रहा है, ये हमेशा ऑफ ही रहना चाहिए द प्रोडक्ट इज ऑन सेल, ठीक है, ये तो हमेशा ऑन रन ऑफ रहना चाहिए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में क्या देना मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आप आ जाइए नीचे, ये देख रहे हैं, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए इसको, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल कॉपी करने के बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ से अब पूछ रहा है चेकआउट URL, अब यहाँ से देखिए URL में क्या देना है, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से देखिए शॉर्ट लिंक आ गया, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सारा ये। यहाँ से आप चेकआउट URL पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोल रहा हूँ शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, अभी रहने दीजिए आप, यहाँ से आप पब्लिक ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ कंडीशन सेलेक्टर आप न्यू रहने दीजिए, ठीक है, न्यू हमेशा जब भी प्रोडक्ट ऐड करिएगा तो न्यू रहने दीजिएगा। यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट, ये देखिए ऐड हो गया। यहाँ से 0.00 अभी प्राइस नहीं बता रहा, प्राइस नहीं लगाने का एक और फ़ायदा है, अगर जिस ज़्यादा प्राइस रहता तो लोग चले जाते हैं, अगर अमेजोन आपके इस लिंक से आपको अमेजोन पे जाता है, अगर नहीं खरीदता दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदेगा तो आप ही को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए मैं जाता हूँ इसके लिंक पर, यहाँ देखिए यहाँ रिफरल बता रहा है ना, ये आपका रिफरल है, यहाँ ऐसा कुछ दिखेगा कस्टमर को, कस्टमर यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जितना अच्छा लगाइएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। यहाँ से कस्टमर यहाँ से चेकआउट ऑन वेबसाइट कस्टमर करेगा तो डायरेक्ट अमेजोन के लिंक पे आ जाएगा, वहाँ से अगर प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको कमीशन मिलेगा, कमीशन का रेट तो पता ही होगा आपको। यहाँ से अमेजोन कमीशन रेट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सारा लिखा हुआ है कितना, अगर आप क्लॉथ बेचते हैं तो अलग ऐसा होगा, मतलब अलग अलग हर प्रोडक्ट में अलग अलग आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप किचन का सामान बेचते हैं तो 9% होगा आपका कमीशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप हेल्थ ब्यूटी पे आपको 5% है आपका कमीशन, यही से आप देख लीजिएगा मैं आपको, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, यहाँ से आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर, देखिए यहाँ ऑल प्रोडक्ट में शेयर है, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके पेज पे बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएं और वहाँ से बाय कर दे आपके लिंक से तो आपको अर्निंग हो जाएगी। यहाँ से देखिए सेव कर सकते हैं, ठीक है, मैं बस दिखा दिया आपको। उसके बाद आप यहाँ से आप उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे आप देख रहे हैं ऐड कलेक्शन टू योर ऑर्गेनाइज योर प्रोडक्ट, यहाँ से आप कलेक्शन बना सकते हैं, ऐड कलेक्शन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड कलेक्शन पे करके आप जैसे कलेक्शन बना सकते हैं, जैसे स्कर्ट का अलग, टॉप का अलग, और क्या होता है जो होता है ऑन होता है टॉप, जो भी बेचना चाहते हैं लड़की लोग का, जैसे मेंस में हो गया जीन्स टी शर्ट शर्ट, ठीक है, अलग अलग अपना कलेक्शन बना सकते हैं ताकि कस्टमर को देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ये ख़रीदना है तो इसी के बटन पे चले जाएं, ठीक है। आप अगले वीडियो में बता दूंगा सारा, अगर इससे पहले इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कलेक्शन बना सकते हैं ऐड कलेक्शन करके, मैं अभी यही रह देता हूँ इतना। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे प्रमोट नहीं करना है, प्रमोट अभी नहीं करना है, प्रमोट अभी भी अलाउ नहीं करता, अभी अमेज़ॉन अभी अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं तो आपको बंद हो जाएगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट अभी। ऐसे ही आपको यहाँ से आप सबको आप सब शेयर कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको कोई अति ग्रुप है तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड्स टू योर लाइक योर पेज, ठीक है। इनवाइट 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 यहाँ से सी ऑल फ्रेंड में करके सबको एक ही बार सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी विजिट करेगा तो अगर आप बाय किया कोई भी तो आपको कमीशन मिल जाएगा और इससे आपको अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट डालिएगा जितना से ज़्यादा। सबसे पहले दुकान तो खोलना पड़ेगा आपको, शॉप्स में सबसे ज़्यादा पहले प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारा, तो आप इसीलिए बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए उसमें, तभी कस्टमर आएगा तो देखेगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ इतना सारा प्रोडक्ट है। यहाँ से मैं कलेक्शन ही बताऊँगा मैं आगे जाके, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी कुछ समझ में आया, हेल्पफुल हुआ होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।